हरे कृष्णा। हमारे पुराणों के पन्नों में आपका स्वागत है। लोग अक्सर एक प्रश्न पूछते हैं, ये स्कॉन वाले ये चाय पीने को क्यों मना करते हैं? अरे चाय में क्या प्रॉब्लम है? हम मानते हैं कि शास्त्रों में नशा करने के लिए मना किया गया है। एक सनातनी वैष्णव हिंदू व्यक्ति को नशा नहीं करना चाहिए, एक संस्कारी भारतीय को नशा नहीं करना चाहिए। तो नशे में तो शराब, भांग, धतूरा, तंबाकू ये सब आते हैं ना, ये चाय को आप लोगों ने नशे में क्यों डाल दिया है? आइए सुनते हैं क्यों हम चाय पीने के लिए मना करते हैं। देखिए, पहली चीज तो है शास्त्रिक कारण। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र में भगवत गीता के 3rd अध्याय के 13 नंबर श्लोक में ये बात बताई गई, यज्ञ शिष्टानश नो मुच्यन्ते सर्व कल्भिषे भुजन्ते ते त्वम अघम पापम यह पच्यन्ति आत्म कारणात्। जो व्यक्ति अपनी इंद्र तृप्ति के लिए भोजन बनाता है वह केवल पाप खाता है, यानी कि हर चीज भगवान की वस्तु भगवान को भोग लगा के ही खानी चाहिए। अगर भगवान की वस्तु भगवान को भोग लगा के न खाएं तो हमें पाप लगेगा। जैसे आपके घर में कोई व्यक्ति आया और आपकी बिना इच्छा के आपका एक पैन उठा के चल दिया, आप कहेंगे तो मेरा पैन है, अगर तुमको चाहिए था तो तुम पूछ सकते थे ना। इस सृष्टि में सब कुछ भगवान का है, तो उनकी आज्ञा के बिना कुछ भी खाना ये पाप है। भगवान ने गीता के अंदर ये बात बताई। तो समझने वाली बात है कि जो चाय है क्या ये हम भगवान को भोग लगा सकते हैं? कुछ लोग कहेंगे हाँ हाँ, भगवान की बनाई हुई वस्तु है, भगवान को लगा सकते हैं। तो देखिए, भगवान कहते हैं कि मैं जो चीज खाता हूं वही मुझे भोग लगाओ। भगवान ने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति। भगवान ने भगवत गीता के 9वें अध्याय में बताया, पत्रम यानी पत्ते वाली चीज खाता हूं, पुष्पम यानी पुष्प, फलम यानी फल, और तोयम यानी जल। अब इसमें चायम कहां कहां, अंडम कहां कहां, लहसम कहां कहां, प्याजम कहां कहां। तो अगर ये कहा नहीं तो फिर हम क्यों भोग लगाएंगे भगवान को, यानी भगवान स्वीकार नहीं करते। तो पहला कारण तो हो गया शास्त्र की दृष्टि से कि भगवान स्वीकार नहीं करते तो हमें भी नहीं खाना चाहिए। दूसरा, अगर हम इसको साइंस की दृष्टि से देखें तो साइंस कहती है चाय क्या करती है। एक बहुत पुरानी एक स्टडी है जो कि हम सबको पता रहनी चाहिए, ये आया है 1983 के अंदर, 1983 में यह स्टडी है, फूड एंड न्यूट्रिशन एनसाइक्लोपीडिया, आप गूगल में रिसर्च कर सकते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन एनसाइक्लोपीडिया कहती है कि चाय के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसे कैफीन कहते हैं। आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, कोल्ड ड्रिंक्स में भी कैफीन लिखा होता है, इट कंटेन्स कैफीन, फिर भी लोग पीते हैं। ये कैफीन करता क्या है? कैफीन ये करता है कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS यानी ब्रेन, उसको पूरा इल्यूजन से भर देता है, यानी उसको शांत कर देता है, और साथ में हमारे को प्रमोट करता है हमारे जो ग्लाइकोजन होते हैं उनको तोड़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, यानी चीनी की मात्रा को, पदार्थ को हमारे लिवर में बढ़ा देता है। चीनी की मात्रा बढ़ने से, जब चीनी बढ़ती है ग्लूकोज बढ़ता है तो हमको एनर्जी आती है, इसीलिए लोग ग्लूकोन डी ग्लूकोन सी ये सब पीते हैं। दौड़ने वाले रेसर, जिम करने वाले बच्चे ये सब क्यों पीते हैं? इससे शुगर लेवल बढ़ता है और उनको एक एनर्जी बूस्टर मिलता है। तो चाय हमारे CNS को यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरा बंद कर देती है उस समय के लिए, कुछ काल के लिए, और चीनी की मात्रा को बढ़ाती है। अब इसका ये तो हो गया, समझ में आई बात कि हमारे बॉडी में इसका एक्शन क्या है, लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या है कि इसका असर ज्यादा देर तक रहता नहीं, तुरंत उतरता है, और जब उतरता है तो जो ब्लड ग्लूकोज था वो और नीचे चला जाता है, निचले स्तर पर चला जाता है, यानी कि अब व्यक्ति को ग्लाइको जो होना चाहिए था ग्लूकोज जितना, वो उसका नीचे लेवल पर चले जाने से उसको बड़ी लिथार्जिकनेस यानी आलस्य उसको पकड़ लेगा। वो कहेगा यार चलो चाय पी के आते हैं, काम में मन नहीं लग रहा। क्यों? CNS नर्वस सिस्टम डिमांड कर रहा है और साथ में ग्लूकोज की कमी होती जा रही है। जैसे ही चाय पिएगा फिर CNS को स्टिंग जो मिला है वो दोबारा से कंप्लीट हो जाएगा और उसको ग्लूकोज मिलेगा, इसलिए लोग चाय पे चाय चाय पे चाय चाय पे चाय पीते जा रहे। इसका दुष्परिणाम साइंस क्या कह रही है, बायोलॉजी क्या कहती है, मेडिकल साइंस क्या कहती है? अगर कोई व्यक्ति लगातार
चाहे पिता रहेगा तो उसमें क्या क्या कमियां उत्पन्न होती हैं। ही हैज बीन इंपैक्टेड बाय, वो इंपैक्टेड होगा कैंसर, अल्सर, पेट में बड़े बड़े अल्सर्स हो जाएंगे, जलन होगी खाना खाने के बाद, और खट्टी डकारे आना, इरिटेशन होना, ये सब होगा चाय पीने वालों। बर्थ डिफेक्ट्स, जो माताएं जो स्त्रियां चाय पीती हैं उनके बच्चों में कुछ ना कुछ जन्म के साथ ही कुछ डिफेक्ट्स आएंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि सब में आए, लेकिन ऐसा देखा गया ये भी हो सकता है। तो क्यों हम ऐसा अपने बच्चे के साथ करेंगे। हार्ट डिसीजेस यानी हृदय के रोग और हाई ब्लड प्रेशर। तो अगर इतिहास देखा जाए, हिस्टोरिकल फैक्टर देखा जाए, तो आप अपने बूढ़े बुजुर्गों से पूछें क्या आपके घरों में चाय पी जाती थी, तो व्यक्ति बोलेगा नहीं नहीं 1834 से पहले भारत में चाय का कोई फैक्टर नहीं था। यानी कि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब यूरोपियन लोग, विदेशी लोग भारत आए तो वो अपने साथ चाय का बीज लेकर आए थे और उन्होंने दार्जिलिंग में टी बागान, चाय के बागान बनाए और भारत के लोगों को चाय पीना सिखाया। इससे पहले चाय नहीं पीते थे। तो क्या सन 1834 से पहले लोग स्वस्थ नहीं थे, लोग काम नहीं करते थे? हमारी शास्त्रिक दृष्टि, हमारी ऐतिहासिक दृष्टि, हमारी वैज्ञानिक दृष्टि इस बात को बोलती है कि हमको चाय नहीं पीनी चाहिए। अब किसी का मन करता है कि मेरा गला खराब है, मुझे खांसी है और हमें तो पीना चाहिए, तो क्या करें? तो ऐसी अवस्था में आप हर्बल चाय ले सकते हैं जिसमें कैफीन नहीं होता है, कैफीन फ्री। आप फाइंड करिए कैफीन फ्री। लोग बोलते ग्रीन टी पी सकते हैं, ग्रीन टी के अंदर भी ग्रीन पत्तियां होती हैं और ब्लैक टी में वही पत्तियां सूखी होती हैं, तो कैफीन तो ग्रीन में भी और ब्लैक में भी है। हमें वो पीना है जो कैफीन फ्री है। तो कई चाय पे लिखा होता है कैफीन फ्री। आप जाएं गूगल में सर्च करें रुइबॉस टी, जो कि लिखा होता है कैफीन फ्री टी, वो हर्बल ड्रिंक है, आप उसे पी सकते हैं। अर्जुन वृक्ष की छाल, वो पेड़ों से आती है और उससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। आप उसको पानी में, दूध में गर्म करके बिल्कुल चाय जैसा स्वाद और कलर आता है, आप उसको ले सकते हैं। लेकिन कैफीन वाली चाय, जितने भी ब्रांड्स हैं, वो कॉफी और चाय, ये कैफीन फैक्टर्स, ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं, इनको पीने से हमारा ब्रेन अच्छा नहीं होता है, खराब होता है, और इसीलिए बार बार इसकी आदत पड़ जाती है, व्यक्ति उसको पीता रहता है। एक कहावत है, इसको बोलते हैं हैबिट फॉर्मिंग डिसीज। ये एक ऐसी बीमारी है जो हैबिट बना देती है। एक बार किसी व्यक्ति से कहा, आप इस गंदी हैबिट को छोड़ क्यों नहीं देते? वो बोला कैसे छोड़ूं, प्रयास किया तो एच निकल गया। तो बोला अभी मैं ज्यादा चाय नहीं पीता हूं, लेकिन क्या पीता हूं, अ बिट ऑफ इट। एच निकल गया तो अ बिट ऑफ इट। फिर बहुत मेहनत करी, बोला अब मैंने और कम कर दिया, ए निकल गया। अब क्या कहता है, बिट ऑफ इट। फिर कुछ प्रयास करने के बाद बोला बी भी निकल गया है, बस इट रिमेन्स, चाय रह गई है थोड़ी सी। आई भी निकल गया है, फिर भी हैबिट में से क्या बच गया, टी, यानी चाय फिर भी रह गई है, टी रिमेन्स, ये टी नहीं जाती है। तो इसको हर्बल टी से आप चेंज कर सकते हैं। नहीं तो एक चाय बनाने का तरीका मैं आपको बता सकता हूं, जो कि मेरा काम नहीं है, फिर भी क्योंकि चाय छुड़वानी है तो लोगों को चाय सिखानी भी पड़ेगी कैसे पी जाए, क्योंकि लोगों की आदत पड़ चुकी है भारतीय लोगों की। गर्म पानी लीजिए, उसमें दालचीनी डालिए, उसमें चीनी डालिए, उसके अंदर इलायची डालिए, अदरक डालिए, दूध डालिए, लेकिन चाय पत्ती मत डालिए, और इसको उबाल कर आप पियेंगे। इवन अगर आप दूध भी नहीं डालते हैं तब भी आपके इतना सुंदर कलर बनता है, जितने लोगों को पिलाया जाता है लोग कहते हैं वाह मजा आ गया। आपको कॉफी पीने का मन करता है, कोई बात नहीं, धनिया लीजिए, धनिया के जो बीज होते हैं उनको तवे पर फ्राई करिए, जब वो ब्राउन कलर के हो जाएंगे, लगेगा चॉकलेट जैसे हो गए, दूध में डालिए, उनको मिक्स करिए, आपको लगेगा बिल्कुल इंस्टेंट कॉफी बनी है, इतनी सुंदर कॉफी बनती है उसका फ्लेवर, लेकिन इसमें कैफीन नहीं है, ये धनिया है, हमारी ही खुद की प्राकृतिक देन, उसे पीने से हमारे को कोई डिसीज नहीं होता। इस तरह हम स्वस्थ भी रहेंगे और अपने जीवन को भगवान की भक्ति की ओर भी लगा सकते हैं, और हमें नशा करने का पाप भी नहीं लगेगा। आशा करते हैं आप इस प्रकार के प्रयोग करेंगे, अपने जीवन को सफल बनाएंगे। हरे कृष्णा।